हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही बल्लभगढ़ के एचएससीबी वर्कर यूनियन ने प्रदेश कर्मचारियों की राज्य स्तरीय मीटिंग कर उन्हें आयोजित किया गया। बैठक में हरियाणा प्रदेश के अलग अलग सर्कलों से आए तमाम बिजली कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से कर्मचारी नेताओं को अवगत कराया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की सरकार और बिजली विभाग के अधिकारियों पर अपनी मांगों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। बैठक में 8 जनवरी 2020 में होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल और प्रदेश स्तरीय आंदोलन को लेकर रणनीति भी तैयार की गई है। अभी वर्तमान में हमारी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। अभी प्रदेश के चुनाव हुए थे, जिसमें माननीय प्रधान श्री विजेंद्र बेनीवाल जी प्रधान और इनकी अगुवाई में आज ये राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से समस्त बिजली कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं वो प्रत्येक जिले से यहाँ पर आए हुए हैं और सभी कर्मचारियों ने विस्तृत अपनी समस्याएं, अपनी डिमांड्स आज राज्य की इस मीटिंग में रखी है और हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिलाया है कि तुरंत प्रभाव से आपकी जितनी भी लंबित मांगे हैं उनको अधिकारियों के समक्ष और हरियाणा सरकार के समक्ष रखेंगे। आज पूरे प्रदेश के प्रधान सेक्रेटरी और सर्कल सेक्रेटरी आज यहाँ बुलाए हैं, क्योंकि सरकार तुगल की फरमान लेके आती है, चाहे वो जबर रिटायरमेंट की पॉलिसी हो या सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए थे उनको लागू करने की बात है तो सरकार अपनी बात से मुकर रही है। आज कर्मचारी के अंदर एक भय का माहौल है कि कर्मचारी बिजली बोर्ड का कर्मचारी इतने उससे काम करता है और फिर भी जो है ना उसके ऊपर एक तलवार लटकी रहती है, कभी कोई मंत्री का दबाव है, कभी कोई दबाव है, डिमांड मानने की बजाय कर्मचारी को जाने को परखती है, चाहे वो परिवेश और रिटायरमेंट पॉलिसी एक जबरन जो है ना थोपी जा रही है कि भी समय से समय अवधि से पहले उसको जबरदस्ती किया जाता है।